हे व्हाट्सअप गाइस, मैं बबीता मलिक पौंडीचेरी का राइकल से। शादी का माहौल है और हम सभी फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, दीदी, भैया, अजय और मैं, क्योंकि ये भी एक यादगार है, काफ़ी सालों बाद हम लोग मिले हैं, तो फोटोग्राफ्स हो जाएं तो मज़ा आ जाता है, यादगार रहती हैं। और शादी का माहौल है तो फिर किसी ऐसी स्पेशल तैयारी की ज़रूरत नहीं है, सभी रेडी हैं और सिर्फ उसे एक कैमरे में कैप्चर करने की ज़रूरत है। तो भैया और अजय का ये स्लो मोशन वीडियो जो है ये कैप्चर किया गया था, तो अजय को स्लो मोशन वीडियो बनाने का बहुत शौक है, तो इस बार भैया भी उनके साथ में। वैसे स्लो मोशन वीडियो में ना बड़ा अच्छा फिल्मी सा वो सीन लगता है, फिल्मों में ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है ना, तो बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है। तो वीडियो जब हम लोग लेते हैं स्लो मोशन की, तो उसमें भी यही एक ख़ास स्पेशल सा इफेक्ट आता है। अजय की स्टाइल जो हमने वीडियो बनाई है ये हल्दी फंक्शन की है, और अब हम यहाँ से हम निकलने वाले हैं, तो अभी हमें मौका मिला तो हमने वीडियो शूट कर लिया। एंजॉय किया था, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमने रेडी होना है, इसे तैयार होना है, इसलिए हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर वीडियो बनानी थी लेकिन वीडियो बनाना हम भूल गए और पिक्चर्स ले लिए। चलिए इमेजेस भी काम करेंगे, इमेजेस भी अच्छी आई हैं। और ये शादी की फ़ोटोज़ हैं, शादी के वक्त हम सभी जो रिलेटिव्स थे हम सभी ने एक साथ मिलकर फ़ोटो शूट किया। दीदी भी काफ़ी दिनों बाद हम मुझे और कनिष को मिली थी, तो फिर हमने साथ मिलकर फोटोग्राफ्स लिए। अब शादी का फंक्शन शुरू हो रहा है। एक यूनिक सी एंट्री दुल्हन की, बहुत ही अच्छी लग रही है। शिवानी भी ड्रेसअप में काफ़ी अच्छी लग रही है, उसका गेटअप बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो फीमेल्स हैं ना वो मशालें लेकर खड़ी हैं, तो उसकी वजह से लुक जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड आ रहा है और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है ये जो व्यू आ रहा है। एंट्री बहुत ही गजब की हो रही है, एक फिल्मी सा सीन क्रिएट हो रहा है मज़ा आ गया देखकर। वैसे आजकल थोड़ा ट्रेडिशनल जो है जयमाला के टाइम पर दुल्हन का आना वो चेंज हो चुका है, आजकल हर चीज़ बदल चुकी है। पहले के ज़माने में तो लड़की बस सीधे साधी तरीके से आती थी और जयमाला भी बहुत ही सीधी साधी सी स्टाइल में पूरी हो जाती थी, लेकिन आजकल थोड़ा चेंज हो गया है ट्रेडिशनल जो स्टाइल है जयमाला के टाइम की, तो ये बहुत अच्छा लगता है, रॉयल लुक दे रहा है। तो शिवानी पहुंचने वाली है स्टेज पर, दूल्हा भी वहीं पर वेट कर रहा है ताकि जयमाला फटाफट से हो जाए। वैसे फटाफट से तो नहीं होती, काफ़ी टाइम लगता है। अभी वीडियोज़ और पिक्चर्स लेने में बिज़ी हैं, इन्जॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को। ये मोमेंट खुशी देने वाला भी होता है, बहुत इमोशनल करने वाला भी होता है। कुछ लोग इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं,
खुशी तो रहती है, लेकिन फिर भी एक जो कॉर्नर होता है इमोशंस का, वहाँ से इमोशंस रिलीज़ होने लगते हैं। वो इमोशंस इसलिए रिलीज़ होते हैं क्योंकि खुशी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए भारतीय रस्में सारी दुनिया में मशहूर होती हैं, और अगर जब बात शादी की हो तो हिंदू रीति रिवाजों की अपनी ही धूम होती है। उनमें संस्कारों के साथ रिश्ते, मोहब्बत और आशीर्वाद का जो संगम होता है वो साफ साफ नज़र आता है। तो हिंदू विवाह की जो बात होती है उसमें सभी रस्में कोई ना कोई मायने ज़रूर रखता है। जयमाला का जो मीनिंग होता है, जो इम्पोर्टेंस होती है, वो यही होती है कि लड़का और लड़की एक दूसरे को अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी स्वीकार करते हैं। और ये जो रिवाज है ना, इसमें दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे के गलों में फूलों की माला पहनाते हैं। इसके बाद दोनों के घर वाले दोनों को आशीर्वाद देते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण रिवाज माना जाता है हिंदू शादी में। जब तक शिवानी स्टेज तक पहुंचती है तब तक हम लोग थोड़ा फोटो सेशन कर लेते हैं। अभी काफ़ी टाइम है, तो ये दीदी, मैं और आर्या, ये आर्या की सिंगल फोटोग्राफ। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस, और ड्रेस में वो खुद भी बहुत प्यारी लग रही है। ये उसका पोज, ये हम तीनों का पोज बनाने की कोशिश। तो दोनों ने बहुत अच्छा पोज बनाया, मेरा तो पोज अच्छा नहीं बना। ये आर्यन, ये तीनों फैमिली की फोटोग्राफ है, ये तीनों लोग हैं इसमें। और ये भैया के साथ दीदी की फ़ोटो, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। जयमाला हो गई है और इसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं मंडप में, फेरे की तैयारी हो गई है। हिंदू धर्म में जो शादी के दौरान सात फेरे लेने की जो एक परंपरा होती है उसको सात जन्मों का बंधन माना जाता है। और शादी में दूल्हा दुल्हन जो अग्नि होती है उसको साक्षी मानकर सात फेरे लेते हैं, ताकि वे आने वाले जो अगले सात जन्म होते हैं उस तक साथ रह सकें। तो साथ ही वह पति पत्नी के रिश्ते को मन से, शरीर से और आत्मा से निभाने का वादा भी करते हैं। और यही है सात फेरे का महत्व। ये दूल्हे के दोस्त लोग मस्ती करते हुए, मजाक करते हुए, क्योंकि ये मौका होता ही है, इसमें हंसी मजाक तो चलती ही रहती है, तभी मज़ा भी आता है। सभी इंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को। ये हंसी मजाक तो पार्ट है शादी के इस बहुत बड़े ग्रैंड सेलिब्रेशन का। वीडियो में ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि याद ही नहीं रहा कि हाँ वीडियो भी बनानी है। देखने में ही काफ़ी बिजी रहे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करना चाहे तो कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन। टिल देन, बाय बाय। थैंक्स फॉर टाइम।